अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम अवैस है, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ मौजूद हैं मुनव्वर साहब। आज मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि हम किस पॉइंट पर इकट्ठे हुए हैं और इस पॉइंट के बारे में इनकी क्या तवक्कात थी और इन्होंने इस पॉइंट को कैसा पाया है। जी मुनव्वर जी, वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। एक्चुअली हम पंचपीर रॉक्स पे हैं, जो कि कोटली सतियां इस्लामाबाद से तकरीबन 50 किलोमीटर के फासले पर है और ये बहुत अच्छा और बड़ा पुरसकून इलाका है और सब्जाजार है और बहुत पुरसकून, लाइक इसमें कोई रश नहीं है। जैसे आप मरी को देखते हैं या नथिया गली वगैरह का देखते हैं तो रश नहीं है और बड़ा अच्छा रोड है यहाँ पे जो हमें यहाँ तक लीड करता है और इसमें फैमिलीज भी आती हैं, काफ़ी टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं। लेकिन यहाँ की सबसे मजे की बात यह है कि यहाँ पे बिल्कुल भी कोई रश नहीं है और ऑफ रोड के लिए ये बड़ा अच्छा ट्रैक है और हम उसी को एंजॉय करने आए हैं यहाँ पे। जी मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, क्या ये जगह वैल्यू टू मनी है? हम अपना टाइम स्पेंड करके आ रहे हैं तो क्या ये हमें वो वैल्यू दे रहा है? नहीं, एक्चुअली अगर हम फैमिली के साथ आएंगे तो मेरा नहीं ख्याल ये वैल्यू टू मनी है, क्योंकि यहाँ पे कोई इतने खास अभी हार्ट्स वगैरह या शॉप्स वगैरह नहीं है, कोई रेस्टोरेंट्स नहीं है। लेकिन अगर लाइक हम जैसे छड़ों ने अकेले आना है, ऑफ रोड के लिए आना है, तो ये बेस्ट पॉइंट है इस्लामाबाद। जी ठीक हो गया। अच्छा मैं आपसे एक चीज सीखना चाहता हूँ। हमारे बेसिकली बोला जाता है किसी भी गैदरिंग में कि हम अमेरिकन सिस्टम करते हैं, तो आपने एक बार मेरी रहनुमाई फरमाई थी इस वाले से कि अमेरिकन सिस्टम और इस्लामिक सिस्टम में क्या फर्क है, तो मैं चाहता हूँ ये ही हम अपना एक कॉन्सेप्ट जो है हम अपने व्यूअर्स को भी बताएं कि अमेरिकन सिस्टम वर्सेस इस्लामिक सिस्टम क्या होता है। जी दरअसल अमेरिकन सिस्टम और इस्लामिक सिस्टम में बहुत नुमाया फ़र्क ये है कि देखें, आपकी तालीमात आपको बताती हैं कि इस्लाम एक भाईचारे का नाम है और हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दर्स हमें दिया है कि हम जो भी कोई काम करें, इवन को कोई मस्जिद बनाएं तो हम सब की इक्वल पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। अगर हम कोई भी कोई काम करें, किसी की शादी करें या कोई हम कोई इवेंट करें या कोई भी ऐसा हम इवेंट ऑर्गेनाइज करें तो उसमें सब की बराबरी की सतह पे एक पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, ना कि कोई ज़्यादा देर है ना कोई कम देर है। तो इसको हम इस्लामिक सिस्टम ही कहेंगे क्योंकि ये हमारे नबी पाक सल्लम से रवायत है और इसी सिस्टम के तहत बैतुलमाल पाकिस्तान का भी, सॉरी बैतुलमाल इस्लामिक बैतुलमाल का भी और ज़कात का भी जो फंडामेंट है वो इसके पीछे इसी की बुनियाद है। तो जो अमेरिकन सिस्टम है वो ऐसा नहीं है कि पार्टिसिपेशन इक्वल होगी। अमेरिकन सिस्टम में ये होता था जो हमें जो मेरा नॉलेज है, क्योंकि हम अमेरिका में भी रह के आए हैं और वहाँ पर भी देखे हैं, हमने उनके भी इवेंट्स को हम ज्वाइन करते रहे हैं, वहाँ पे एक ये होता है कि वो हर बंदे की एक जिम्मेदारी लगा दी जाती है। अगर हमने कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करना है, कोई शादी करनी है, तो वो 10 लोग हैं, वो 10 लोग मिलके क्या करेंगे कि वो अपनी अपनी जिम्मेदारी ले लेंगे। कोई खाना ले आएगा, कोई पानी ले आएगा, कोई सामान ले आएगा, कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा, तो वो इस तरह है। लेकिन एक जगह पे बैठ के एक चीज को डिसाइड करके उसकी वैल्यू बना के और वो सब पर तकसीम कर देना, इसको इस्लामिक सिस्टम भी कहा जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि आपको ठीक हो गया। मुनव्वर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया और व्यूअर्स को भी ये चीज आज क्लियर होगी कि अमेरिकन सिस्टम क्या होता है और इस्लामिक सिस्टम क्या होता है। बहुत मेहरबानी सर, थैंक यू।